अभी अलग अलग पीरियड के अनुसार आपको मानदेय देने की व्यवस्था है। अब ये पीरियड के हिसाब से नहीं होगी, अब महीने के हिसाब से मानदेय की व्यवस्था होगी और मानदेय भी जो हम तय कर रहे हैं वर्तमान जो होता है अतिथि शिक्षक वर्ग एक 9,000, इसके स्थान पे 18,000 रुपया दिया जाएगा। अतिथि शिक्षक वर्ग दो 7,000, उसकी जगह 14,000 और तीन को 5,000 की बजाय 10,000 रुपया ये मानदेय किया जाएगा। और अभी शायद हर महीने करते हैं अनुबंधिका करते हैं है? साल का, तो अब बीच में कोई भी गैप नहीं होगा, एक बार अनुबंध हो गया तो पूरे साल चलेगा, क्योंकि कुछ समय पढ़ाए वो उस समय करें क्या, आखिर उनकी भी तो जिंदगी का सवाल है। और इसलिए एक बार अनुबंध का मतलब साल भर उनकी सेवाएं चलेंगी। लेकिन इसके साथ साथ अब इस अनिश्चितता के भंवर से निकालने की भी एक परमानेंट कोई योजना बनानी पड़ेगी। और इसलिए हम एक शिक्षकों की भर्ती में अभी तक अतिथि शिक्षकों को केवल 25% का आरक्षण था, अब 50% बढ़ा के किया जाएगा, क्योंकि जो पढ़ा रहे हैं, जो अनुभवी है, वर्षों का व्यवहारिक ज्ञान जिनको है, अगर वो भर्ती होंगे तो मैं समझता हूं कि वो बेहतर ढंग से बच्चों को पढ़ा सकेंगे, बेहतर ढंग से बच्चों को पढ़ा सकेंगे। और ये व्यवस्था अगली भर्ती से ही जैसे होती है तत्काल हम लागू करने का काम करेंगे। और अतिथि शिक्षकों को उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार प्रतिवर्ष 4 और अधिकतम 20 अंक बोनस के रूप में ये प्रदान किए जाएंगे, ताकि अधिकतम उनका चयन हो सके, उनका सिलेक्शन हो सके। आप पढ़ाने का काम कर रहे हैं लेकिन पूरे मान और सम्मान के साथ पढ़ाएं। एक मैं ये भी तय कर दूंगा कि जैसे नियमित पढ़ाने वालों को वेतन मिलता है, अब चूंकि वेतन तय हो गया है, मानदेय तय हो गया है, इसलिए निश्चित महीने की एक तारीख, एक या दो तीन चार जो भी होती है, उसमें सबको मानदेय मिल जाए, भटकना ना पड़े, परेशान ना होना पड़े, ताकि इनके घर की गाड़ी भी चल सके, परिवार को भी ये ढंग से देखने का काम कर सके। और एक मैं गुरुजियों की तरह एक योजना बनाऊंगा कि जिसमें पात्रता परीक्षा लेके भी हम अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की दिशा में आगे बढ़ सकें। जब गुरुजी के लिए किया है तो उनके लिए भी हम सोच सकते हैं। केवल जो आरटीए के अंतर, आपको पता है शिक्षा का जो कानून है आरटीई, उसके अंतर्गत डीएड बीएड वाली जो बाध्यताएं हैं वो हम रिलैक्स नहीं कर सकते, क्योंकि वो केंद्रीय कानून है। लेकिन उसको छोड़ के मेरी इच्छा है कि तुम सब नियमित हो जाओ, ढंग से पढ़ाओ, बच्चों को भी ठीक से पढ़ाओ और बच्चों के साथ साथ अपने परिवार का भी आप ध्यान रख पाएं।